एकता कपूर आई है फिर से एक नया शो लेके। शो के बारे में बता दे तो इस शो का नाम है पवित्र भाग्य। नागिन 4 की सक्सेसफुल धूम मचाने वाली स्टोरीज के बाद एकता एक और एक्सपेरिमेंट करने वाली है। इस शो का नाम है पवित्र भाग्य। जैसे कि एकता के हर शोज में भाग्य जुड़ा होता है, ये भाग्य कैसा जुड़ा होगा उसको देखने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य जैसे शो बनाने वाली एकता फिर से आपके सामने हाजिर होने वाली है पवित्र भाग्य के साथ। ये एक रोमांटिक ड्रामा शो है जिसमें कि लीड रोल में है अनीरा, कुणाल और वैष्णवी प्रजापति। शो इन तीनों कलाकारों के आसपास ही मंडराती है। शो के किरदारों के बारे में बता दें तो कुणाल 28 वर्षीय रियांशल किरदार निभा रहे हैं जो कि काफ़ी अमीर घर के लड़के हैं और रिलेशनशिप में रहने से बचते हैं। वही प्रणीति का किरदार निभा रही अनीरा एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं और अपने टूटे दिल की रक्षा करने के लिए लगी रहती हैं। बाल कलाकार वैष्णवी जुगनू का रोल प्ले कर रही हैं जिसके माता पिता होते हुए भी नहीं हैं और सामने आ रही परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालने की कोशिश कर रही हैं। पवित्र भाग्य इन्हीं तीनों किरदारों पे निर्धारित शो है। शो की कहानी के बारे में बात करें तो प्रणीति रियांश से प्यार करती है, हालांकि दोनों का रिलेशन किसी नुकाम पे नहीं पहुंच पाता, दोनों अलग थलग भी हो जाते हैं। इस रिश्ते से प्रणीति का एक बच्चा भी होता है, बिना शादी के माँ बन जाती है, हालांकि किसी कारणवश वह अपने बच्चे से अलग हो जाती है और 8 साल तक वह अपने 8 साल तक वो अपने बच्चे से अलग रहती है। अचानक उसका सामना असलियत से होता है। दोनों की ज़िंदगी में 8 साल की जुगनू की एंट्री होती है। अब क्या जुगनू को अपना परिवार मिल पाता है या नहीं, पूरा शो इसी सवालों पे आधारित है। तो प्लीज़ देखना मत भूलिए एकता कपूर का नया शो पवित्र भाग्य, ओनली मंडे टू फ्राइडे 10 PM ओनली ऑन कलर्स। इसकी झलकी आप एक बार फिर से देख लें ओनली एट ट्विस्टेड। Twisted Life.